भारत के G20 सम्मेलन में नहीं आएंगे पुतिन, असली कारण जानकर हैरान रह जाएंगे आप सभी। 3 दिन बाद सोकर उठा पाकिस्तान, चंद्रयान की सफलता पर दे दिया अटपटा बयान। अगर भारत में स्पेस मिशन को इसरो चलाता है तो पाकिस्तान में स्पेस मिशन को कौन चलाता है? भारत, चीन, रूस और अमेरिका के चंद्रयान मिशन बजट को देखकर दुनिया हैरान। दोस्तों, दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि चारों तरफ भीषण महंगाई के बीच आखिर भारत इतने सस्ते कारनामे कैसे कर रहा है। इसरो ने पूरी दुनिया को पहली बार दिखाया है कि अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप बेहद सस्ता प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बजट से ज़्यादा तकनीक और प्रकृति का सहारा लेकर काम किया जाता है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारत में निवेश छप्पर फाड़ कर आने वाले हैं। किसी जमाने में स्पेस की दुनिया में हमसे काफी आगे हुआ करता था पाकिस्तान, आखिर कैसे फटीचर जैसी हालत हो गई। आज हम आपको रूस, चीन और नासा से जुड़े कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं जो होश उड़ाने वाले हैं। वीडियो में आगे हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों पुतिन भारत के G20 में नहीं आ रहे हैं, उनके इस फैसले को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्या आपको पता है चीन अपने चंद्रयान मिशन को कितने रुपये में चांद पर भेजा था? चंद्रयान 3 का अनुमानित बजट 615 करोड़ रुपये, जो भारत के सबसे किफ़ायती अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इससे पहले जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च की गई थी, जिसका बजट 978 करोड़ रुपए का था। अगर चंद्रयान 3 के बजट की तुलना रूस के लूना 25 से करें तो उसका अनुमानित खर्च 1659 करोड़ रुपए था। चीन ने 2019 में चांगी 4 के जरिए चांद पर लैंडिंग की थी। इस मिशन पर चांद ने 1365 करोड़ रुपये किए थे, जबकि अमेरिका के अल्टेमिस मून मिशन, जो कि साल 2025 के लिए प्रस्तावित है, उनका अनुमानित खर्च 8.3 लाख करोड़ रुपए का है। जरा सोचिए दोस्तों, जहां पर अमेरिका 8 लाख करोड़ खर्च करके चांद पर पहुंचता है, तो वहीं भारत मात्र 615 करोड़ रुपए में चांद को चूम लिया है। इसी कारण जब दुनिया को पता चला कि भारत का चंद्रयान मात्र 615 करोड़ रुपए में चांद पर पहुंच गया है, तो उनकी हैरानी बढ़ने लगी। खासकर चीन और अमेरिका जैसे देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो देश अपने मून मिशन पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान 3 के बजट को जानने के बाद थोड़े हैरान और परेशान हैं। दुनिया भर के दिग्गज कारोबारियों, स्पेस संस्थाओं ने इसरो के सम्मिशन की तारीफ की। एक्स के CEO एलन मस्क ने भी इसरो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। अगर आप बाकी देशों के मून मिशन से इसकी तुलना करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों अब पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। इसरो ने अपने सस्ता चंद्रयान 3 मिशन से साबित कर दिया कि बजट कभी भी आपको अपना लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता है। नासा की तुलना में इसरो के पास बेहद कम बजट है। नासा जितना खर्च अपने एक रॉकेट को बनाने में कर देता है, उतना इसरो के कई सालों का बजट होता है। अगर बजट कम हो तो कैसे तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है, ये चंद्रयान 3 मिशन सिखाता है। इसरो ने पैसों की ताकत के बजाय प्रकृति की ताकत का सहारा लिया और कम खर्च में इस मिशन को पूरा किया। धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर ईंधन और पैसे की बचत की। इसरो का चंद्रयान ही नहीं बल्कि मंगल मिशन भी दुनिया भर के देशों से में किफ़ायती रहा है। बता दें कि नासा के माविन मार्स मिशन की अनुमानित लागत 671 करोड़ डॉलर रही, तो रूस के मंगल मिशन का खर्च 117 करोड़ डॉलर रहा है। भारत का मंगलयान इन देशों के मुकाबले मात्र 74 करोड़ डॉलर में मंगल पर पहुंच गया। हम पैसों से ज़्यादा तकनीक पर भरोसा करते हैं। इसरो अपने अंतरिक्ष यान के विकास के हर चरण पर कड़ी निगरानी रखता है, इसलिए एजेंसी उत्पादों की बर्बादी से बच जाती है। लॉन्च के बजट को कम करने के लिए इसरो कई मिशनों के लिए PSLV का उपयोग करता है। खर्च को कम करने के लिए महंगे आयात की तुलना में घरेलू घटकों और तकनीक को महत्व देता है। भारत की सफलता पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। अब उसने तीसरे दिन बयान दिया है, पाकिस्तान की जनता जहां देश की सेना को जमकर कोस रही है, तो वहीं अब चंद्रयान लैंडिंग के 3 दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को उसकी सफलता पर बधाई दी। पाकिस्तान ने कहा,
भारत का चांद पर जाना एक बड़ी उपलब्धि। हम भारत के वैज्ञानिकों को इस बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए बधाई देते हैं। इससे पहले इमरान खान की सरकार में सूचना मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने भी भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए खुलकर बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि यह इसरो के लिए गौरव का क्षण है। भारत में जहां इसरो का नेतृत्व वैज्ञानिक कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान सेना के जनरलों के हाथ में। आज कंगाल पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके और वैज्ञानिक शोध पर खर्च कर पाए। G20 समिट में शामिल नहीं होंगे पुतिन। रूसी प्रेसिडेंट की जगह फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं शिरकत। ब्रिक्स समिट से भी दूर रहे थे पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत में होने वाली G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन ने इसकी पुष्टि कर दी। पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इन पर्सन शिरकत की थी। 2020 में रियाद और 2021 में रोम में हुई समिट में भी पुतिन वर्चुअली शामिल हुए थे। 2022 में बाली में हुई समिट में भी रूसी राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। पुतिन की जगह फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव नई दिल्ली आएंगे। समिट 9 और 10 दिसंबर को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए 2 दिन पहले 7 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स को लेकर केस दर्ज। अगर वो जॉन्सबर्ग आते तो मेंबर कंट्री होने के नाते साउथ अफ्रीकी सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ता। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर तमाम देशों के बीच ट्रीटी है। रूस की तरफ से भले ही ऑफिशियली इस वजह का जिक्र न किया गया, लेकिन पुतिन के नई दिल्ली न आने की वजह ये भी है। ICC ने इसी साल मार्च में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमले के दौरान गैरकानूनी तौर पर यूक्रेनी बच्चों को रूस डिपोर्ट किया। इन सभी खबरों पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।